ज्ञानवापी सर्वे के बीच जमकर सियासत भी हो रही है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सर्वे से असंतुष्ट है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि कहीं ज्ञानवापी भी दूसरा बाबरी ना हो जाए और ASI की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी RSS अपना नैरेटिव सेट करेंगे। इस दौरान उन्होंने 2 तारीखों 6 दिसंबर और 23 दिसंबर का भी जिक्र किया। उन्होंने अयोध्या के फैसले का भी जिक्र किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी उन्होंने नाराजगी जताई जिसमें योगी ने ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीकों की बात कही थी। कुल मिलाकर ओवैसी सर्वे से खुश नहीं है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम जारी, दूसरी तरफ हर कोई सियासी दांवपेच के जरिए खुद को सही साबित करने की होड़ में जुटा है और इस होड़ में वो अदालत के फैसले को भी कटघरे में खड़ा करने से बाज नहीं आ रहे। इस मामले में सबसे आगे AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दिख रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे कराने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा चुके ओवैसी अब विक्टिम कार्ड खेलते दिख रहे हैं। भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर ओवैसी अब ज्ञानवापी की तुलना बाबरी मस्जिद से करके मुस्लिमों को डराने का काम कर रहे हैं। सर्वे के बीच ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है, ASI की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो न जाने क्या होगा। आशा है कि न तो 23 दिसंबर और न ही 6 दिसंबर दोबारा होगा। अयोध्या प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम की पवित्रता के संबंध में जो कहा था उसका अनादर नहीं होना चाहिए। उम्मीद है बाबरी जैसी घटनाओं की बाढ़ न आ जाए। ओवैसी के इस ट्वीट को लेकर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब 6 दिसंबर नहीं होगा, यूपी में योगी जी की सरकार है। ओवैसी मुस्लिम समाज के साथ पहल करें, ज्ञानवापी को हमें सौंप देना चाहिए। अंदरूनी जब आदमी कमजोर होता है या जिसको पता होता है कि मैं जमीन इस पे नहीं है या तथ्य इस पे नहीं है तो अंदर से आत्मा उसकी कमजोर हो जाती है और वही डर उनका बोल रहा है। लेकिन आदरणीय ओवैसी जी को ये संज्ञान होना चाहिए कि वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश सरकार है, किसी माई के लाल की हैसियत है कि वो अराजकता फैला ले, गुंडई कर ले या असामाजिक तत्वों को इकट्ठा करके कोई इस तरह का कोई काम कर ले? कभी नहीं हो सकता। न अराजकता होगी, किसी भी अराजक तत्व को किसी भी कीमत पर कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है लेकिन वोट की सियासत के लिए इसको लेकर जुबानी जंग तेज है। ऐसे में सवाल यही है कि मुस्लिम वोट के लिए मुसलमानों को भड़काना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, सर्वे पर सभी की नजर है लेकिन आखिरकार डर किस बात का है, सवाल यह है। दरअसल अल्पसंख्यक वोट की सियासत खत्म हो सकती है, सियासी नैरेटिव हार जाने का खतरा है। 24 के चुनाव में गोलबंदी की उम्मीद नहीं है। असल मुद्दों से वोटर्स को भटकाना मुश्किल हो जाएगा, अल्पसंख्यक वोटर्स पर असर कम होना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से सर्वे को लेकर डर बना हुआ है।